अस्सलाम वालेकुम, मैं मुफीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं सऊदी अरबिया से लाइव हूँ। मैं पिछले 6 साल से सऊदी अरबिया में कंपनी में काम कर रहा हूँ। आज की रिक्वायरमेंट उन लोगों के लिए है जो लोग कुवैत लॉन्ग टर्म के ओसी ऑयल एंड गैस मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं। ये रिक्वायरमेंट, ये वैकेंसी उन लोगों के लिए है जो लोग कुवैत ऑयल एंड गैस मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं। तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें टेक्नीशियन से लेके इंजीनियर, सुपरवाइजर्स, लेबर, हेल्पर सभी की रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ भाई लोग, वीडियो को स्किप करके मत देखना। इसमें 1000 से भी ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। अगर आप कुवैत में ऑयल एंड गैस मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ भाई लोग, वीडियो को स्किप करके मत देखना। जिस जॉब कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है, मैं उन जॉब कैटेगरीज के नाम और सैलरी सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। बस रिक्वेस्ट करता हूँ भाई लोग, स्किप करके मत देखना, क्योंकि बाद में आप लोग पूछते हैं भाई इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है, प्लम्बर का सैलरी कितना है, इंजीनियर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और टेक्नीशियन के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए, पासपोर्ट, ECR, ECNR क्या चाहिए और सैलरी कितना है, ये सब आप मुझसे कमेंट में बाद में पूछते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप कुवैत में ऑयल एंड गैस मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखना। पूरी जानकारी डिटेल्स में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर जानकारी पसंद आए तो रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कुवैत की KOC ऑयल एंड गैस मेंटेनेंस प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है। इसमें 1000 से भी ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है, रिक्वायरमेंट आई हुई है। चलते हैं जॉब कैटेगरीज की तरफ। जिस जॉब कैटेगरीज की रिक्वायरमेंट वैकेंसी आई हुई है, उन जॉब कैटेगरीज के नाम और सैलरी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा सैलरी के साथ। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलते हैं जॉब कैटेगरीज की तरफ, जिसमें से इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है, जिसका सैलरी 600 KD है। मैकेनिकल सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है, जिसका सैलरी 600 KD है। इंस्ट्रूमेंट सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है, जिसका सैलरी 600 KD है। स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है, जिसका सैलरी 600 KD है। सीनियर इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, जिसका सैलरी 400 KD है। सीनियर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, जिसका सैलरी 400 KD है। सीनियर मैकेनिकल टेक्नीशियन, जिसका सैलरी 400 KD है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, जिसका सैलरी 350 KD है। इंस्ट्रूमेंट एनालाइजर, जिसका सैलरी 500 KD है। ऑपरेटर, जिसका सैलरी 320 KD है। फील्ड ऑपरेटर, जिसका सैलरी 300 KD है। फैसिलिटी कोऑर्डिनेटर, जिसका सैलरी 600 KD है। सीनियर मैकेनिक, जिसका सैलरी 400 KD है। पेट्रोल डीजल मैकेनिक, जिसका सैलरी 450 KD है। मैकेनिकल फिटर, जिसका सैलरी 280 KD है। इंस्ट्रूमेंट फिटर, जिसका सैलरी 280 KD है। इलेक्ट्रीशियन, जिसका सैलरी 220 KD है। इलेक्ट्रिकल फिटर, जिसका सैलरी 320 KD है। केबल जॉइंटर, जिसका सैलरी 350 KD है। HSC ऑफिसर, जिसका सैलरी 550 KD है। ड्राफ्ट मैन, जिसका सैलरी 350 KD है। साइट स्टोर कीपर, जिसका सैलरी 350 KD है। GRP पाइप फिटर, जिसका सैलरी 340 KD है। वेल्डर, जिसका सैलरी 280 KD है। ड्यूप्लेक्स वेल्डर, जिसका सैलरी 340 KD है। फैब्रिकेटर, जिसका सैलरी 220 KD है। स्केप होल्डर, जिसका सैलरी 300 KD है। रीगर, जिसका सैलरी 280 KD है। इंसुलेटर, जिसका सैलरी 320 KD है। मैकेनिस्ट, जिसका सैलरी 300 KD है। स्प्रे पेंटर, जिसका सैलरी 280 KD है। ब्लास्टर मैन मेसन, जिसका सैलरी 240 KD है। टेक्निकल असिस्टेंट, जिसका सैलरी 550 KD है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जिसका सैलरी 1200 KD है। मैकेनिकल इंजीनियर, जिसका सैलरी 1200 KD है। प्रोसेस इंजीनियर, जिसका सैलरी 1000 KD है। ये रही कुवैत की KOC ऑयल एंड गैस मेंटेनेंस प्रोजेक्ट की जॉब कैटेगरीज। अगर आप इनसे रिलेवेंट काम करते हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कंपनी की बात करें, ये कुवैत की बहुत ही पुरानी, बहुत ही फेमस, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। और ये कंपनी सिर्फ कुवैत में नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट में इसके ब्रांचेस हैं, जैसे सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत, ओमान में भी इसके ऑयल एंड गैस रिफाइनरी के मेंटेनेंस प्रोजेक्ट का ही काम लेती है। तो अगर आप कुवैत में ऑयल एंड गैस मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये कंपनी आपको फ्री फूड, फ्री एकोमेंडेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन और 2 घंटे फिक्स आपको ओवर टाइम प्रोवाइड कर रही है। और सबसे खास बात ये इस कंपनी की, इस रिक्वायरमेंट की, ये आपको एनुअली वेकेशन, आने जाने का टिकट और
पेड सैलरी भी आपको एनुअली प्रोवाइड करेगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कुवैत में ऑयल एंड गैस मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन, इससे ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट आपके लिए नहीं हो सकती, क्योंकि लोग सालों साल इंतज़ार करते हैं कुवैत के लिए रिक्वायरमेंट के लिए, मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के लिए वैकेंसी नहीं आती है। तो ये रिक्वायरमेंट, ये वैकेंसी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अगर आप कुवैत में ऑयल एंड गैस मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं, ये आपके लिए गोल्डन चांस हो सकता है। और सबसे खास बात ये है, इसका रिक्वायरमेंट मुंबई के फाल्कोन एचआर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस में आ चुका है। फाल्कोन ऑफिस की बात करें, इसके और भी ब्रांचेस हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, बड़ौदा, कोलकाता, उड़ीसा, चंडीगढ़, कोची, इन जगहों पर भी इसके ब्रांचेस हैं। जो रिसेंटली रिक्वायरमेंट आया हुआ है वो मुंबई वाले ब्रांच और बड़ौदा वाले ब्रांच में इसका रिक्वायरमेंट आ चुका है, और दोनों जगहों पर अभी इसमें शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है। शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें, 10 अगस्त 2023 तक इसमें जो है शॉर्ट लिस्टिंग, मतलब 10 अगस्त 2023 तक इसमें शॉर्ट लिस्टिंग चलेगा। तो अगर आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबई वाले ऑफिस में विजिट करें, अगर आप बड़ौदा में रहते हैं तो बड़ौदा वाले ऑफिस में अपना डिटेल्स जैसे बायोडाटा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट फाल्कोन ऑफिस को सबमिट करें। और अगर आप मुंबई और बड़ौदा से बाहर रहते हैं, अगर आप कुवैत में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो ऑफिस का ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो आप जो है इंडिया के किसी भी कोने से अपना डिटेल्स ऑफिस को सेंड कर सकते हैं और शॉर्ट लिस्टिंग करवा सकते हैं। अगर मुंबई बड़ौदा में रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, आप डायरेक्ट जो है अपना डिटेल्स ऑफिस को दे सकते हैं। सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात यह है, इसमें जो है केवल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ही इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं या इंटरव्यू के लिए उनको इन्वाइट किया जाएगा। और इसका जो फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू डेट है बड़ौदा वाली ब्रांच में, 14 जुलाई 2023 को इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू बड़ौदा वाली ब्रांच में होगा, और 16 अगस्त 2023 को फेस टू फेस इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू मुंबई वाली ब्रांच में होगा। बाकी ऑफिस की बात करें, ऑफिस 38 साल से भी ज़्यादा पुरानी ऑफिस है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से मान्यता प्राप्त है और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी वैलिड है। बाकी बड़ौदा वाली ऑफिस का और मुंबई वाली ऑफिस का ऑफिशियल ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो आप इंडिया के किसी भी कोने से अपना डिटेल्स जो है ऑफिस को सेंड कर सकते हैं और शॉर्ट लिस्टिंग करवा सकते हैं। बाकी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड या ऑफिस से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको 110% रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी जॉब से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं और फ्यूचर में लाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले लेटेस्ट रिक्वायरमेंट में लेटेस्ट वैकेंसी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।